कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मी काफी तेज हो गई है और ऐसे में बिहार विधानसभा के सभी विधायक, विधानमंडल एवं एमएलसी सहित कई गणमान्य नेताओं का यहां जमावड़ा बना हुआ है। और ऐसे में अगर बात करें मंगलवार को जदयू एमएलसी सह विधान परिषद रोजिना नाजिस कुशेश्वर स्थान के पकड़िया गांव पहुंचे, उन्होंने जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते इस रिपोर्ट में। रोजिना नाजिस विधान परिषद की एमएलसी, मैं यहाँ हजारी अमन हजारी के वोट दिलाने के लिए आई हूँ जेडीयू की तरफ से। पकड़िया में अभी हम लोग गए हैं, वहाँ हम लोग वोट मांगने के लिए गए। मुख्यमंत्री का क्या काम वहाँ पे आपको लगा कि जिसके कारण वोट करेंगे वहाँ के लोग? मुख्यमंत्री का आश्वासन दिए हैं कि वो काम करेंगे और मुख्यमंत्री ने काम बहुत सारा किया अल्पसंख्यक के लिए, उसका कोई अनमोल नहीं है, समझे। वहाँ सब तो जनता सब खड़ी है, सब खड़ी है। आपको लग रहा है कि अमन हजारी यहाँ से निकल जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जी। अमन हजारी से मिले आप? नहीं, मिलने का तो है, अभी कल मिलेंगे हम लोग, कल बात हुई है उनसे कि कल मिलेंगे। आज हम लोग असल नहीं मिल पाए पानी उनी की वजह से, हाँ क्षेत्र में चले गए थे ना, तो हम लोग पानी की वापसी पानी की वजह से नहीं मिल सके जी, बारिश के कारण आप उनसे नहीं मिल सके। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से मैं माननीय एमएलसी मैडम रोजिना नाजिस को धन्यवाद देता हूं कि इस सुदूर इलाके में ये एक अकेली ऐसी नेत्री है, महिला नेत्री है, जो नाव पर चढ़ के कुशेश्वर स्थान जैसा सुदूर इलाका वहां गए, अल्पसंख्यकों के बीच बैठ करके सारा बात बोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अल्पसंख्यक के लिए काम चल रहा है, जो योजनाएं हैं उस पर फोकस दी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा वहां का रिजल्ट। वहां काफ़ी अल्पसंख्यक में इनके जाने के बाद उम्मीद और भरोसा बढ़ा है और सबको नीतीश कुमार के प्रति भरोसा और विश्वास है भी पहले से, थोड़ा सा उसमें अलग जगाने की ज़रूरत थी, मैडम के जाने से अच्छा हुआ वहाँ। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं बता देना चाहता हूँ दूर दूर कोई नहीं है, पीछा कोई आ सकता है लेकिन है कोई नहीं। आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव के यहाँ आने से कुछ प्रभाव? कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव का प्रभाव हमने कल देखा तारापुर में, कोई लोग नहीं मिल रहा था, मछली मार रहे थे जाके, वो लोग नहीं था उनके पास, मछली मार रहे थे जाके वो। यही आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं अमन हजारी इस बार? बिल्कुल निश्चित, हमारा भरोसा माननीय मुख्यमंत्री पर है, उनके काम पर है, उनके विकास पर है और कुशेश्वर स्थान का मतदाता विकास को देखता है, किसी राजघराने के लोगों पर उनका भरोसा नहीं है। माननीय तेजस्वी जी राजघराने के लोग हैं, इस कादों में इस बारिश में क्या करेंगे, लेकिन हम लोग घरे घर जा करके सारा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और होगा, हम लोग चुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के आके बाबू, हम लोग 17 नंबर से नारी से निकले थे, 17 नंबर होते हुए हम लोग पहले कुशेश्वर पार्टी ऑफिस गए, अमन बाबू से मिलने का प्रयास किया लेकिन वो हम लोगों से पहले ही क्षेत्र में निकल गए थे। फिर वहाँ से हम लोग रूट चार्ट लेकर के कुछ पता चला के अभी तक तो पकड़िया नहीं कोई पहुँच पाए हैं, तो मैडम को लेकर के मैं रोज़िया यानी अख्तर को मैं लेकर के पकड़िया गए और वहाँ के मुसलमानों से हम लोग बैठ कर के बातचीत किए, तो हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स यानी कि मिला है वहाँ और उम्मीद करते हैं कि वहाँ के मुसलमान हम लोगों को वोट करने जा रहे हैं। और जो मैसेज है माननीय मुख्यमंत्री का वो भी हम लोग मान लिया कि उन लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है और उसी दौरान बारिश भी हो गया, हम लोगों का कपड़ा भी भींगा हुआ है और इंशाल्लाह कल हम लोग फिर मैडम को लेकर के अमन जी से मुलाकात करके जहाँ हम लोगों को रूट मिलेगा हम लोग फिर मैडम को लेकर वहाँ इनके साथ निकलेंगे और पूरा हम लोगों को यकीन है और पूरे मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि अमन बाबू बहुत अच्छे खासे ओर से ज़रूर कामयाब होंगे, ये हम लोग दुआ करते हैं जी। अभी हम लोगों के अभी जो चुनाव अभियान चल रहा है उसमें दे दिए हमारे गोरा बोराम के प्रखंड अध्यक्ष शरफे आलम साहब भी और हमारे जिला परिषद जो अकलियर सेल के प्रदेश महासचिव है अबुल खैर साहब, उन्होंने भी दिया और बहुत खुशी के साथ मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हमारे एमएलसी मोहतरमा लगातार अभी नारी में रात में वहीं रुकी हैं और उसके बाद अभी अबुल खैर साहब बता रहे थे, लगातार इनका जो मिजाज है
और हमारे साथ जो पटना से जो मेहमान कमाल मुस्तफ़ा साहब आए हुए हैं, हमारे जिला के पूर्व जिला महिला सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर इस्मत जहां जी आई हुई है, और बहुत सारे साथी हैं। हम लोग 15 आदमी का टीम है। और जो अभी हमने देखा है कि लगातार जो अकबरपुर बैंक में या उष्टी इनको जाना था या पघारी ये ठीका जाना था या लधो जाना था या तमाम जगह नोडेगा वाला, मैं बिल्कुल सीरियस और बड़ी ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि हमारे महिला जो रोजीना नाथ जिनको MLC अभी हम तो मुबारकबाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं कि हमारे महिला जो अभी MLC मोहतरमा को अभी इन्होंने MLC बना करके ये तोहफा दिया है, और पूरे बिहार और दरभंगा और हम लोग गोरा बोराम से हैं और कुशेश्वर विधानसभा में, मैं यकीन और भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि मुबारकबाद दे रहा हूँ नीतीश कुमार जी को कि हमारे इस तरह के मजबूत क्रांतिकारी महिला जो MLC को बनाए हैं, हमें पूरा उम्मीद है। आज बता रहे थे अबुल खैर साहब, हम तो बिल्कुल हार चुके थे क्योंकि जब कुशेश्वर में मैं बैठा हुआ था तो इनको कोई वहाँ का हालात मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार 20-25 साल से पकरिया के इलाके को जानते हैं, क्योंकि कुशेश्वर पूर्वी जो 10 पंचायत है हमारा, हम लोग लगातार वहाँ चुनाव हमारा जो रोसड़ा पार्लियामेंट था या समस्तीपुर पार्लियामेंट क्षेत्र है उस इलाके में हम लोग लगातार वहाँ जाते थे। आज इन्होंने बजाबते अबुल खैर साहब, MLC साहब, कमाल मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद तैयब साहब, इस्मत जहाँ जी, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, जब कुशेश्वर हम गए, राजेश बाबू वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वहाँ हमने रजिस्टर उल्टाया तो देखा कि अभी तक हमारे यहाँ के लोग नहीं जा पाए। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, और एक एक घर, क्योंकि हम लोग लगभग 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और पकरिया में लगभग 2000 पोल है वहाँ 2,000-2,500 का, और बहुत सारा समस्या भी आया, और बड़ी मजबूती से हमारे MLC मोहतरमा और अबुल खैर साहब इस्मत जहाँ जी ने हर जगह जा करके एक एक परिवार से मिले और मिल करके ये वादा हुआ, माहिदा हुआ। और बड़ी ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूँ, हम तो लगातार चुनाव कई तरह का लड़ते आए हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे MLC मोहतरमा ने वहाँ जा करके आज ये परिचय दिया है कि नीतीश कुमार ने इनको MLC बनाए हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से अमन हजारी जी के लिए जो वोट मांगने का काम किए हैं,